हेलो गाइज, मैं हूं पवन और आप देख रहे हैं टेक्निकल पवन। सब सबको सीखो जानो यूट्यूब चैनल। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए और वीडियो को लाइक कीजिए। जिनको भी इस वीडियो की जरूरत हो उसको जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए ये वाली वीडियो आपको कैसी लगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? चलिए उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। यहाँ पर एक मुझे न्यूज़ मिली है जिसको देख करके मैं काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हूँ, तो मैंने सोचा कि आपको भी सरप्राइज करना चाहिए। ये भी सरप्राइज हो रहा था, पता नहीं क्यों। एनी प्रॉब्लम? नहीं, सही है। तो क्या है कि सरप्राइज वाली जो न्यूज़ है वो काफ़ी अच्छी है, क्योंकि यहाँ पर डिलीवरी काफ़ी तेज़ ओला ने किया है। और इसको देख करके एक बात तो कंफर्म है कि यहाँ पर आप अनुमान नहीं लगाते, नहीं कंफर्म नहीं कर सकते कब आपको डिलीवरी मिलेगी। वो डिपेंड करता है कि कितना जल्दी आपने पेमेंट किया है, कितना जल्दी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है, और उसके हिसाब से कितना जल्दी आपका जो आरटीओ रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हुआ है। तो ये जितने जल्दी जल्दी होंगे उतना ही आपको जल्दी स्कूटर मिल जाने वाला है। तो कुल मिलाकर इनमें जितना टाइम लगेगा उसी हिसाब से डिलीवरी डेट भी आपकी डिले होगी। इस तरीके के काम को देख करके अभी यहाँ पर मुझे लग रहा है जहाँ तक। तो मैं अभी ये बता दूँ आपको, यहाँ पर इन्होंने बोला है कि डिलीवरी टाइम लाइन्स, फाइनल पेमेंट इन्होंने किया था 21 जनवरी को। ओके, तो 21 जनवरी को इन्होंने किया था और उसके बाद से जो डिस्पैच हुआ था वो हुआ था 30 जनवरी को इनका। जल्दी हो गया था, 31 जनवरी से पहले 30 जनवरी को। इसके बाद से इंश्योरेंस जो इशू हुआ था वो हुआ था 31 यानी कि 31 जनवरी को। और इसके बाद से टेम्प्रेरी रजिस्ट्रेशन जो होता है वो हुआ था 3 फरवरी को। और इसके बाद से फाइनल डिलीवरी जो हो गया इनका वो हो चुका है 5 फरवरी को 12 बजे दोपहर में। तो ये बात यहाँ पर है। और इनकी जो रजिस्ट्रेशन है वो टेम्प्रेरी है, अब कंप्लीट होके आएगी तो फिर आके वो लगा देंगे, कोई दिक्कत है नहीं इसमें। तो ऐसा है यहाँ पर। और काफ़ी सरप्राइजिंग बात है कि इनको पहली बार, ये जो लोग का दिसंबर मतलब की बाद वाला जो ये मिला है, जिन्होंने भी दिया है 21 जनवरी वाली पेमेंट, उनमें से भी किसी को भी स्कूटर मिला नहीं है। और ये पहले बंदे हैं जिन्होंने पेमेंट किया था 21 जनवरी वाले डेट में और उनको ये स्कूटर मिल चुका है। तो काफ़ी सरप्राइज न्यूज़ है हमारे लिए, आप सभी के लिए। तो आप भी वेट कीजिए, जल्दी से जल्दी मिल जाएगा, जितना जल्दी आपका वो, क्योंकि अब डिलीवरी करना चालू किए हैं ये लोग 21 जनवरी वाले जो लोग किए थे। तो हमको लगता है कि फरवरी, मार्च, अप्रैल लास्ट ले जाते सबको तो मिल जाना चाहिए अगर इस स्पीड से रहे तो। क्योंकि ओला ने कुछ दिन पहले कमेंट किए थे कि हम लोग बहुत तेज़ी के साथ में इसमें कोलाबरेट करके अलग अलग लोगों से, चाहे आरटीओ वाले या बाकी सारे लोगों से हम लोगों ने बात किया है और उसके हिसाब से हम स्पीड अपनी काफ़ी बढ़ा रहे हैं। तो अगर इस तरह से स्पीड बढ़ जाए तो काफ़ी बेटर होगा। मतलब कुल मिला जाकर एक महीना डिले चलता है, 6-6 महीना और 9-9 महीना डिलीवरी का डेट अगर ऐसा होगा तो फिर काफ़ी लोग परेशान होंगे यहाँ देखा जाए तो। और जिन लोगों को मैंने रुकने के लिए बोला है कि अगर आपने पेमेंट नहीं किया है या आप ओला नहीं बुक किए हैं तो आप जून के बाद बुक करिए, तो उन लोगों के लिए काफ़ी 3 गुड न्यूज़ है जो कि उनको होने वाला है फ़ायदा अगर इतना दिन रुकते हैं तो। चलिए मैं बताता हूँ फटाफट से क्या क्या आपको होने वाला है फ़ायदा। पहला, देखिए, आए दिन स्कूटर में कुछ ना कुछ खराबी अभी आ रही है। क्यों? ये ओला के साथ ही नहीं, कोई भी अगर नई कंपनी आती है तो उसका वो सारा कुछ जो होता है ना प्रैक्टिकल होता है पहली बारी, तो कुछ ना कुछ खराबियां आती हैं और कस्टमर के रिव्यू को लेकर कंपनी उस चीज़ को सही करती है, तो जो कि ओला भी कर रही है। तो यहाँ पर कोई भी गलत बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर, हाँ, ये बहुत फास्ट भी उस चीज़ को सुधार रहा है, ऐसा नहीं है। तो चीज़ों को लेकर के सही किया है। अब यही दिक्कत है कि जो भी प्रैक्टिकल वाली चीज़ें होती है ना वो कंपनी अपने तक रख करके और काम करती है, लेकिन यहाँ पर पब्लिक करके काम किया जाता है। चलिए कोई बात नहीं, इसमें थोड़ा पब्लिक को भी काफ़ी सजग सतर्क रह करके काम करना पड़ेगा, यानी कि जो लोग भी स्कूटर चला रहे हैं वो लोग वही चलाएं जो काफ़ी स्कूटर को चलाने में माहिर हो, गाड़ियों चलाने में माहिर हो, ताकि उनसे हादसा कम हो। क्योंकि यहाँ पर सॉफ्टवेयर इशू काफ़ी ज़्यादा आता रह रहा है, लोगों को देखने को मिल रहा है, रिवर्स करने पर ऑलरेडी फॉरवर्ड करने पर रिवर्स चली जाती है, तो यहाँ पर ये चीज़ें हैं देखने को जो मिल रही हैं। इसके अलावा इशू जो आता है डिस्प्ले वाला, वो बहुत सारे इशू हैं जो कि यहाँ पर फिक्स अभी नहीं है, जो कि होते रहते हैं, अभी सारी कंपनी फिक्स ऑलरेडी कर रही है। तो पहला तो ये होगा कि आप अगर उतने दिन रुकेंगे तो लगभग ये चीज़ें फिक्स हो जाएंगी, जो भी कुछ खराबी आ रही है मुझे जहाँ तक लगता है तब तक तो फिक्स कर ही लेगी कंपनी, मतलब जून जुलाई अगस्त तक लास्टली। इसके बाद आपको ये दूसरा जो फ़ायदा होने वाला है वो होने वाला, कंपनी ने कमिटमेंट किया है कि हम लगभग 22 जून तक, या जून महीना समझ लीजिए, 22 जून क्या बोलूँ मैं, तो जून तक ये बोल रहे हैं कि हम लोग अपडेट दे देंगे। तो अपडेट भी आप चेक कर लें कि अपडेट के बाद से क्या कुछ नए बदलाव इसमें होते हैं, स्कूटर की बैटरी का रेंज तो नहीं घटता, स्कूटर का रेंज बढ़ता तो नहीं है, या क्या क्या परफॉर्मेंस हो जाती है, तो ये कुछ, ये भी आपको देखने को मिलेगा। दूसरा फ़ायदा, ये बहुत बड़ा फ़ायदा है। और तीसरा,
तब तक अगर आप रुकते हैं तो तब तक ये स्कूटर बहुत ज़्यादा ही अच्छा मुझे लगता है। कंपनी अगर अच्छे से काम करे तो आपको बिल्कुल लेने के लायक बन जाएगा और सब कुछ इसमें मॉडिफाई हो जाएगा, तो उसके बाद लेंगे तो आपको डर के चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल बेझिझक आप चला पाएंगे। और चौथा, अगर तब तक आप रुकते हैं तो आपके पास मे बी ओला से भी बेटर ऑप्शन भी आ सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी इन फ्यूचर इतने दिनों में ओला से बेटर आपके पास ऑप्शन आने वाला है। और जहाँ तक देखा जाए ऑप्शन के लेकर के, तो भाई अभी तो सिंपल वन बहुत दूर 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 तक, उसका कुछ आता पता नहीं है। वो लोग आते हैं, हैप्पी मकर संक्रांति, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी दिवाली बोल के चले जाते हैं, बस यही कुछ चलता है उनका। अब देखते हैं क्या करते हैं। तो इसके बाद इसके बारे में, सिंपल वन के बारे में कोई अभी अपडेट नहीं है कि जानकारी मैं दूँ, इसलिए वीडियो उसे बनाने का कोई मतलब ही नहीं है। और अभी फ़िलहाल में बहुत तगड़ा चल रहा है भाई काम एथर का, तो मानना पड़ेगा एथर की सेलिंग जो है वो काफ़ी बढ़ गई है इन दिनों, क्योंकि ओला में कुछ जो ये बग उगाया है ना, तो लोग काफ़ी ज़्यादा डीमोटिवेट हो चुके हैं। लेकिन मैं उनसे बताना चाहूँगा कि भाई आप डीमोटिवेट ना होइए, आप रुकिए, ओला का जो स्कूटर है वो काफ़ी बेस्ट है अगर देखा जाए तो। तो एथर के मामले में अगर टक्कर की बात करें तो मुझे तो अगर पर्सनली कोई मेरी बात करे कि ओला और एथर में कौन बेस्ट है, तो मेरे हिसाब से बेस्ट की बात तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन देखने में लुक वाइज अट्रैक्टिव और परफॉर्मेंस को लेकर के, बैटरी रेंज को लेकर के ओला अभी फ़िलहाल में बेस्ट है देखा जाए तो एथर के कंपैरिजन में। तो सेलिंग अब जो भी बढ़ी हो, क्योंकि यहाँ पर भावेश सर की गलती की वजह से अगर वो सब कुछ सही करके लॉन्च करते ना, तो रियल में स्कूटर इनका इतना बिकता कि उसकी कोई हद नहीं है। लेकिन जैसे ही स्कूटर बिक रहा है, जैसे ही लोगों के पास जा रहा है, अगर कोई भी 4 से 5 दिन चला ले रहा है तो उसमें कोई ना कोई ख़राबी ज़रूर नज़र आ ही जा रही है। आप लोग डॉक्टर साहब कर के बातें कर रहे थे, उनको भी ख़राबी नज़र आ चुकी है स्कूटर में, हैंडल लॉक वाली ख़राबी आ चुकी है उनके पास में, क्योंकि मैं स्क्रीनशॉट डाल देता हूँ, आप कोई वाली वीडियो जाकर देख लीजिएगा, पता आपको डेफिनेटली चल जाएगा। तो हैंडल लॉक वाली ख़राबी आ चुकी है, बैटरी ड्रेन की ख़राबी आ चुकी है, और भी पता नहीं कौन कौन सी खराब उन्होंने बताया है, तो एक बार रियल में आप जा करके चेक कीजिएगा। तो उनके स्कूटर में भी ख़राबी आ चुकी है, कितना दिन हुआ, 3 से 4 दिन। तो ये चीज़ें मतलब ऐसी ऐसी खराबियाँ सब में लगभग आ ही रही हैं, कुछ ना कुछ इशू आपको फेस करने ही पड़ रहे हैं। तो अगर ये चीज़ें अगर बिल्कुल परफेक्ट काम करके देते तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी ख़राबी यहाँ पर अगर नहीं आती, मतलब 1 साल 1.5 साल अगर कोई ख़राबी नहीं आती तो रियल में ओला काफ़ी कमाल का इसका ग्रोथ होता है। और इसके टक्कर मुझे नहीं लगता स्कूटी पेट्रोल वाली भी ज़्यादा बिकती, तो ये सबसे नंबर वन पे बिकने में चली जाती अगर काम से रहता तो। अब देखना यही है कि जून जुलाई के बाद जब अगर ये सब कुछ सही कर दें तो मे भी काफ़ी स्पीड से ये बिकना स्टार्ट भी हो सकते हैं। तो अब देखना ये है कि उस समय तक कंपनी क्या करती है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारा वेट करना वहाँ तक भी डांट जाएगा। लेकिन भावी स्तर पर मुझे थोड़ा सा बिलीव है कि नहीं, ऐसा तो होना नहीं चाहिए। अब देखना है कि क्या होता है, इसी भरोसे उम्मीद से हमने भी ऑलरेडी अपने लगभग 2020 एंड 41,000 पे करके रखा है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, वो आगे देख लिया जाएगा। कुछ लोग कहेंगे यार 41,000 कैसे कर दिए, तो अभी 41 नहीं, अभी कुल मिला जा रखकर 20,499 एंड फिर अगेन 499 मैंने पे किया है। 20,000 का ऑप्शन जैसे ही आएगा वो भी तो मैं पे ही करूँगा, तो कुल मिलाकर के इतना हो ही जाएगा। तो ये चीज़, और कुछ लोग बोल रहे थे भाई आप वीडियो गलत बनाते हो, झूठ बनाते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर हम जो जानकारी आपको देंगे डेफिनेटली जो होगा वही देंगे, आप जा करके कहीं से भी इस चीज़ को सर्च कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ गलत, अभी जो मैंने ये बात बताई डिलीवरी वाले चाहे एनी अदर्स बात जो भी मैंने आज तक आपको बताई है वो पूरी जानकारी होती है तभी बताया जाता है, तो ऐसा नहीं कुछ गलत जानकारियाँ दी गई हैं। ओला के जो ऐप्स की बात है यहाँ पर, तो ओला आज भी ये नहीं बोल रहा है कि हम कोई ऐप्स लॉन्च करेंगे, क्योंकि ये लोग ऐप्स लॉन्च करने के मूड में ही नहीं है ऑलरेडी, और सारे फीचर जो होंगे ना उसी ऐप्स के द्वारा आपको देने का इनका विचार है, जो कि ओला कैब ऐप है उसमें आपको ही अपडेट करके सारा फीचर ये लोग दे देंगे जहाँ तक मुझे सुनने को मिल रहा है। तो ये सारी बातें हैं, चलिए मिलता हूँ एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम। और ये वाली वीडियो आपको कैसी लगी डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता दीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो आप कैसे सब्सक्राइब करेंगे हमें नहीं पता, बट सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपका छोटा भाई हूँ इसलिए हक के साथ बात करता हूँ आपसे, बड़ा भाई रहता तो सोचता, तो कर लीजिए क्योंकि आप लोग हमसे बड़े ही होंगे, बस अलग अलग नॉलेज सबके पास होती है इस वजह से डिफरेंट हो जाता है। तो वही बातें हैं, क्योंकि हमारे पास जो नॉलेज है वो आपको शेयर करते हैं, आप हमसे बहुत ज़्यादा दिमाग वाले हैं अलग नॉलेज में, तो वो अंतर होता है सभी चीज़ों का।
तो ओके